हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 6 सितंबर 2023। शुरू करते आज का डेली करंट अफेयर। शुरू करेंगे रिवीजन से। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई। किसके नाम से? रामनाथ कोविंद कमेटी। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। ये पूरे इतिहास के, रेलवे बोर्ड के इतिहास के, पहली महिला चेयरमैन है। रवि कन्नन, इंडियन कैंसर स्पेशलिस्ट, इनको अवार्ड मिला है रैमन मैक्सेसे अवार्ड। इसको एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड ये कौन जीता है? एकता कपूर। नीरज चोपड़ा वन सिल्वर, नीरज चोपड़ा वन सिल्वर मेडल इन ज्यूरिख डायमंड लीग। 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये मनाते हैं और पूरा सितंबर का महीना एज अ न्यूट्रिशन मंथ मनाते हैं। मैक्स वर्स्टापन, इन्होंने जीता है फॉर्मूला वन का रेस, कौन सा? डच ग्रैंड पिक्स। तमिलनाडु ने लॉन्च किया है ब्रेकफास्ट स्कीम। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। चले पहले सवाल के ऊपर। पहला सवाल है जीएसटी, जीएसटी के ऊपर है सवाल है। अगस्त 2023 में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ था भारत का? अगस्त 2023 की बात करूं तो जीएसटी कलेक्शन हुआ था 1,59,00,000। ओके, 1.87 लाख करोड़ क्या है? अब तक के इतिहास का टोटल हाईएस्ट जीडीपी कलेक्शन। कब हुआ था? अप्रैल 2023 को 3.75 ट्रिलियन। ये क्या है 3.75 ट्रिलियन? ये है इंडिया की जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में भारत का 5वां नंबर आता है, 5th इन वर्ल्ड। पहले कौन कौन है? पहले है यूएसए, उनकी जीडीपी है $23 ट्रिलियन। उसके बाद चाइना आता है, चाइना की जीडीपी है $19 ट्रिलियन। उसके बाद आता है जापान, जापान की है $4.4 ट्रिलियन। उसके बाद आता है जर्मनी $4.1 ट्रिलियन। उसके बाद आता है इंडिया 3.75 ट्रिलियन। इतना जीडीपी है। 83.57 बिलियन, ये क्या है? अब तक के टोटल हिस्ट्री में हाईएस्ट एफडीआई आया था, हाईएस्ट एफडीआई कलेक्शन इन FY 23। कर्नाटका हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो, ठीक है। सिंगापुर से हाईएस्ट एफडीआई इंडिया में आया है। और एफडीआई की और एक बात करूं तो कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, इसमें मैक्सिमम एफडीआई आया है। और जीएसटी काउंसिल होता है हर साल में एक बार होता है। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। रेवेन्यू अपने फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंट कर लेना कौन है फाइनेंस सेक्रेटरी। अगर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन तो फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है भारत की? नेक्स्ट देखो, डिस्कशन करते हैं जीएसटी का। जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 को, और उसी दिन जीएसटी डे भी मनाते हैं। जीएसटी 3 तरह के होते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी के 4 रेट होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%।
उसके बाद जीएसटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 279A, दिस इज इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 279A जीएसटी इसमें जगह मिली है और ये अंडर हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाला भारत दुनिया का 161वां देश है और पहला देश जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था वो था फ्रांस इन 1954। अगर मैं जीएसटी बिल की बात करूँ तो ये जीएसटी बिल 122वां था और जीएसटी अमेंडमेंट 101वां था। जीएसटी ये 15 डिजिट का नंबर होता है जो आपको पता होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल सेटअप किया गया था 12 सितंबर 2016 को और इसमें टोटल 33 मेंबर होते हैं। आसाम ये पहला राज्य है जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था 2016 में और तेलंगाना ये पहला राज्य है जिसने जीएसटी के लिए ऊपर बिल पास किया था। अमिताभ बच्चन जीएसटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर विजय केलकर कमेटी के अनुसार जीएसटी भारत में इंप्लीमेंट किया गया था। आप बताइए, कमेंट कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुज रिकमेंडेशन? एक कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई 2020 की। कौन सी कमेटी है आप कमेंट कर लेना। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हुआ था, इसमें इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? देखो, इनोवेशन की बात करूं तो भारत में कर्नाटका इनोवेशन में टॉप है। भारत की बात करूं तो इंडिया का रैंक है 40वां इन इनोवेशन। इनोवेशन में टॉप कंट्री कौन सा है? भारत का रैंक है 40, इनोवेशन में टॉप कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्री है और रॉजर फेडरर यहीं से बिलोंग करते हैं। देखो, इसका सही जवाब क्या है? शांता थोटम। शांता थोटम को मिला है इन वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स फोरम। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 15वां एडिशन अभी संपन्न हुआ। आर रवि कन्नन ये कौन थे? आर रवि कन्नन ये ऑन्कोलॉजिस्ट थे, मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट, ठीक है। इनका अवार्ड मिला है रामन मैक्सेसे अवार्ड। इसी को एशिया का नोबेल भी बोलते हैं। नित्या अब्राहम को अवार्ड मिला था यंग यूरोलॉजिस्ट अवार्ड। मनसुख मांडविया की बात करूं तो, अगर मैं मनसुख मांडविया की बात करूं तो ये इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है, सांतो पाबो ये कौन है? इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 में। मेरा आपके लिए सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो है कि ब्रिक्स हुआ था साउथ अफ्रीका में, SCO भारत में, G20 भारत में, नाटो लिथुआनिया में, G7 जापान में और आसियान इंडोनेशिया में। देखो, आप सब लोगों को कमेंट करना है ब्रिक्स का, SCO का, G20 का, नाटो का, G7 का और आसियान का एडिशन क्या है, वो आप कमेंट करना है आपको। अगला सवाल है वर्ल्ड कोकोनट डे ये किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं 2 सितंबर को। कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे। 2 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाते हैं।
8 सितंबर को क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिन इसको बोलते हैं। 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था अंडर आर्टिकल 343। वर्ल्ड हिंदी डे ये कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद डिस्कशन करेंगे डे का, आपके सामने बहुत से इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे रखे हैं, एक एक डे मैं आपको बताता हूँ। पहला नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ये कब मनाया गया है, 1 से 7 सितंबर। वर्ल्ड कोकोनट डे ये कब मनाया गया है, 2 सितंबर। नेशनल टीचर डे ये कब मनाया गया है, 5 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है, 8 सितंबर। इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी डे कब मनाते हैं, 8 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। नेशनल इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर। एमएम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। इंटरनेशनल रेड पांडा डे ये कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। रेड पांडा इज अ स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये कब मनाते हैं, 21 सितंबर को। इंटरनेशनल राइनो डे ये कब मनाते हैं, 22 सितंबर को। उसके बाद अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस ये किसके याद में मनाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी के याद में मनाते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ये मनाते हैं 27 सितंबर को। वर्ल्ड रेबीज डे ये कब मनाते हैं, 28 सितंबर को। और वर्ल्ड यहाँ पे नीचे गया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्ल्ड हार्ट डे ये कब मनाते हैं, 29 सितंबर को। ऑल इम्पॉर्टेंट, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, नो नीड टू मेक नोट्स। ओके, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 4 नंबर का, ये क्या कह रहा है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडीज, ठीक है, ये यूएसए की रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भारत का जीडीपी कितना फोरकास्ट किया है। देखो इसका सही जवाब क्या है, 6.7% मूडीज ने जीडीपी फोरकास्ट किया है भारत का। 7.8% क्या है, ये अप्रैल टू जून 2023 इस क्वार्टर का इंडिया का जीडीपी है, ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी 3 सेक्टर में डिवाइड करता है, पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग। टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, सर्विस सेक्टर, इसमें बैंक भी आता है। ओके, अगर इनके योगदान की बात करो तो ये टोटल जीडीपी का 20%, लगभग 20% कवर करता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो ये लगभग 24% कवर करता है। सर्विस सेक्टर हाईएस्ट सेक्टर है, ये लगभग 56% भारत की जीडीपी सर्विस सेक्टर से आती है। देखो चलो फिर से क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन था 6.5%, 6.5% आरबीआई एंड इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे के अनुसार भारत की जीडीपी है 6.5% एंड 6.3% वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा। देखो ये मैंने एस्टिमेटेड जीडीपी का चार्ट लिखा यहाँ पे, इकोनॉमिक सर्वे 6.5%, आरबीआई 6.5%। आपके लिए सवाल है, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया कौन है, जैसे आरबीआई के कौन है चीफ, शक्तिकांत दास जो गवर्नर है, मूडीज ने बोला 6.7%, आईएमएफ ने बोला है 6.1%, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने बोला है 6.7%,
वर्ल्ड बैंक ने बोला है 6.3%। ठीक है, चलो आगे। अगला सवाल है 5 नंबर का, ये क्या कह रहा है? अगला सवाल है 5 नंबर का, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉन सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? सिंगापुर के राष्ट्रपति का इलेक्शन ये किसने जीता है? देखो देखो, इसका सही जवाब क्या है? थर्मन, शम्मुक थर्मन। ठीक है, देखो, लियो वराडकर आयरलैंड के प्रेसिडेंट, एंटोनियो कोस्टा पोर्तुगाल के प्रेसिडेंट है, पीएम है, और इनको स्टेटस मिला है ओआईसी। ओआईसी का मतलब क्या है? ओवरसीज ऑफ इंडियन सिटीजन, ओवरसीज इंडियन सिटीजन। प्रवीण जगन्नाथ ये मॉरिशियस के पीएम है, और पृथ्वीराज सिंह रूपन ये है मॉरिशियस के प्रेसिडेंट, बोथ इम्पॉर्टेंट। थर्नम, संगम थर्नम ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट। सोनक 57 नंबर के यूके के प्राइम मिनिस्टर है। देखो अगला सवाल ये क्या कह रहा है? कौन से देश ने अभी हिंदू हेरिटेज मंथ ये मनाने का आदेश दिया है? कौन से देश ने आदेश दिया है हिंदू हेरिटेज मंथ? ये है यूएसए। यूएसए का स्टेट है जॉर्जिया। ये बोला है कि हम हिंदू हेरिटेज मंथ ये मनाएंगे। यूएसए का और एक स्टेट है न्यूयॉर्क सिटी बोल सकते हो। ये दिवाली एज अ हॉलीडे मनाएगा, यहाँ पे हॉलीडे भी दी जाएगी न्यूयॉर्क की तरफ से। और आगे श्रीलंका, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धना, श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंह के। मैं इंडोनेशिया की बात करूँ तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आसियान मेंबर है। यहाँ पे आसियान 2023 भी यहाँ पे हुई थी, जोको विडोडो इसके पीएम है। और इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद भी इंडोनेशिया वो देश है जहाँ पे करेंसी है, उसके करेंसी पे लक्ष्मी गणेश का प्रतिमा है, उनके नोट पे, करेंसी पे लक्ष्मी गणेश का प्रतिमा है। देखो हिंदू डोमिनेंट रीजन दुनिया में कितने हैं? 3 रीजन हैं। पहले इंडिया में है 78%, उसके बाद नेपाल में है उसके पॉपुलेशन के 80%, उसके बाद मॉरिशियस है, मॉरिशियस के 48%, लगभग मॉरिशियस की आधी पॉपुलेशन हिंदू है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर नॉमिनेटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो है पुणे में, ये नॉमिनेट भी है और चेयरमैन भी बन गए हैं। चेयरमैन प्रेसिडेंट दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? आर माधवन, आर माधवन बने हैं FTII के चेयरमैन प्रेसिडेंट। प्रसून जोशी CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेशन इसके चेयरमैन है। परेश रावल NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। रविंद्र भाकर ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे रविंद्र भाकर ये CEO है CBFC के। प्रसून जोशी चेयरमैन है CBFC के, जो किस साल बना है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आर माधवन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ FTII जो पुणे में है। परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है, 1959 को बना था ये। रविंद्र भाकर, और यहाँ पे रविंद्र भाकर है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन है रविंद्र भाकर। साथ ही साथ रविंद्र भाकर CEO है CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। हिमांशु शेखर कटाऊ
ये सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है, और ये आईबी मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के सेक्रेटरी है। अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, सर तेरा है। मिस अर्थ इंडिया 2023 ये टाइटल किसने अभी जीता है? आपके सामने जो छह ऑप्शन है, छह के छह उन्होंने कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस अर्थ टाइटल जीता है, तो देखते कौन है। इसका सही जवाब क्या है? प्रियन सेन, ये है मिस अर्थ इंडिया। मीन सुई चुई, ये है मिस अर्थ वर्ल्ड 2022 में हुआ था ये। कैरोलिना बिलिस्कोवा, ये है मिस वर्ल्ड 2022। अभी मिस वर्ल्ड दिसंबर में होने वाला है इंडिया में, और इंडिया में भी जम्मू कश्मीर में, तो ये ज़रा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। मिस वर्ल्ड 2023 होने वाला है जम्मू कश्मीर में। आर बॉनी गैब्रियल, ये है मिस यूनिवर्स 2023, ये यूएसए से बिलोंग करती है, और कैरोना बिलेस्कवा पोलैंड से बिलोंग करती है। नंदिता गुप्ता मिस इंडिया 2023, एंड सरगम कौशल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरगम कौशल शी इज़ अ मिसेस वर्ल्ड 2023, और ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से। देखो जो मैंने बोला यहाँ पे लिख दिया है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स है कौन से देश से, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो इसके ऊपर भी सवाल एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।